हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो बच्चे जो स्कूल जाने के बाद, मैं अभी अपना वीडियो जो है दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक गुड न्यूज है जो मेरे को गुड न्यूज शेयर कर दी है, जो मेरे को मतलब मैं सोची थी कल बताऊंगी, कल मैं स्टार्ट करूंगी अपना वीडियो, बट मेरे से रहा नहीं जा रहा था और मैं सोची आप सबके साथ शेयर करूँ। तो मैं आप सबको बताती हूँ, थोड़ी देर में आराम से बैठ कर फिर बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लंच बनाऊंगी, तो लंच में मैं सोच रही हूँ एक करी और बनाऊंगी लौकी। तो बनाते हैं ये स्प्राउट्स, देखो आप। तो अन्नी पीहू को स्कूल छोड़ने के बाद जो है हस्बैंड जो है वो थोड़ा बाहर चले गए थे, क्योंकि कुछ मतलब कुछ रीजन से गए थे, जो कि आज फाइनली हो गया है। मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। मैं इतनी ज्यादा खुश तो वैलेंटाइन डे पे आईफोन मिला था तब भी नहीं थी, जितनी खुश मैं आज हुई थी जब मेरे को पता चला था ये। तो मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं बच्चों की तरह जंप करने लगी थी, या 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 ऐसे, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं इतनी ज्यादा खुश हो रही हूँ। तो हस्बैंड को ये स्प्राउट्स देती हूँ पहले। तो मैं सोची थी हस्बैंड जो है वो आकर इडली सांभर ही खाएंगे, बट उनको स्प्राउट्स चाहिए, तो स्प्राउट्स में जो खाते हैं तो वो गुड़ डालकर खाते हैं वो। तो मैं उनको पहले दे देती हूँ, क्योंकि उनको लगी है बहुत तेज वाली भूख, और मैं खाऊंगी इडली सांभर। तो मैं खाऊंगी इडली सांभर, तो पहले दे देती हूँ। यहाँ पे पहले मैं लौकी की सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ पे तेल, हल्का सा तेल में क्या करती हूँ, थोड़ा सा जीरा मिर्ची और प्याज फ्राई कर लेती हूँ, और लौकी को मैं उबाल लेती हूँ थोड़ा सा हल्दी डाल करके, तो अच्छे से जो है ना जल्दी फटाफट जो है ना वो पक जाता है। और यहाँ पे देखिए ये मेरा सब्जी रेडी हो गया है। वो मैं ज़्यादा अगर लंबा करती तो इसमें कुछ था नहीं, बस उसी को फ्राई कर देना था। और यहाँ पर जो है एग फ्राई कर ली हूँ, और यहाँ पर मैं एग बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं प्याज और टमाटर जो है उबाल लेती हूँ, जो फटाफट से जो है ना वो बन जाएगी। तो अभी यहाँ पे बनाऊंगी एक करी। तो इसमें मैंने थोड़े से तेल डाले हैं, थोड़े से लौंग है, मतलब दो तीन लौंग, दो तीन इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, बस उसको डाल दी हूँ। और ये हल्का ब्राउन हो जाएगा, फिर मैं उसको जो प्याज और ये टमाटर वाली हूँ उसी को डाल दूँगी। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं राइस, और जो लौकी की सब्ज़ी बनाई थी तो वो मैं आप सबको दिखाई नहीं, क्योंकि बस कुछ नहीं करना था। जब वो अनियन वगैरह फ्राई हो जाता है तो मैं उसी टाइम जो है उसके बाद लौकी डाल देती हूँ और थोड़ा सा उसको ड्राई कर देती हूँ। तो अब जो है इसमें मैं डाल दूँगी थोड़े से अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको ड्राई होने दूंगी। उसके बाद मैं थोड़े से मसाले जो भी यूज़ करूँगी वो डाल दूँगी, बस अदरक लहसुन को थोड़ा सा जो है ना उसका कच्चापन चला जाए तब तक मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और मसाले में मैं डालूँगी इसमें तो मसाले जो मैं डाल रही हूँ इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, हल्का सा कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और लास्ट में मैं डालूंगी इसमें गरम मसाला। और अभी थोड़ा सा मैं सॉल्ट डाल दूंगी। तो बस इससे जब तक तेल जो है ना सेपरेट ना हो जाए तब तक हम लोग जो है इसको फ्राई करेंगे। हस्बैंड जो है वो राइस जो है ना थोड़ा बहुत ही खाते हैं, तो मैं उनके लिए चपाती भी बनाऊंगी, राइस भी बना रही हूँ। जो बच्चे भी आएंगे तो वो भी खा लेंगे, मीन्स कि पीहू को जो है आने के बाद वो राइस ही खाएगी, तो चपाती तो खाएगी नहीं, और अन्नी जो है चपाती खाएगी, राइस नहीं खाएगी। और हस्बैंड जो है दोनों खाएंगे, मैं भी दोनों खाऊंगी, राइस चपाती सब। तो बस यहाँ पे जो है फ्राई हो गया है, मसाला जो है फ्राई हो गया है, तो मैं एग के साथ इसको जो है ना मिक्स करके, एग के साथ मिक्स करना है, जो कि मसाला जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब मिक्स हो जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, जितना आपको ग्रेवी चाहिए हो वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो मैं अपने हिसाब से जो है वो पानी डाल रही हूँ, और लास्ट में थोड़ा सा मैं डाल दूँगी इसमें गर्म मसाला एंड थोड़ा सा धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने से तो वो टेस्ट जो है ना काफ़ी जो है अच्छा हो जाता है, किसी भी चीज़ में आप धनिया पत्ता डालोगे तो वो टेस्ट उसका अच्छा हो जाता है। और इसको कवर करके मैं रख दूँगी, जो वो थोड़ा सा जो है ना थिक हो जाए ग्रेवी। तो ये रहा लंच, चपाती, राइस, लौकी की सब्जी है, एक करी,
और सैलेड। तो ये आज का लंच है हमारा। यहाँ पे जो है एप्पल, बनाना और ग्रेप्स हैं, तो मैं यहाँ पे पीहू और अन्नी को दे देती हूँ खाने के लिए, इवनिंग टाइम है। तो इसी में रेडी हो गई हूँ क्योंकि अभी हमें जाना है थोड़ा सा बाहर। आगे मैं तो आ गई हूँ मैं आप सबको गुड न्यूज़ देने के लिए कि क्या गुड न्यूज़ है। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और अन्नी पीहू भी आकर अपना लंच वगैरह कर लिए थे, थोड़ी देर सो गए हैं, और स्कूल से आने के बाद वो अपनी डैडी से जो है हमेशा कुछ ना कुछ स्कूल के बारे में बताती रहती है। तो ही आज अपने स्कूल के बारे में कुछ बता रही थी, तो वो मैं थोड़ा सा जो है थोड़ा सा जो है ना मैं रिकॉर्ड करी हूँ, तो वो क्लिप मैं थोड़ी सी डाल दूंगी इसमें। तो बस, और वो गुड न्यूज है फाइनली फाइनली फाइनली, मतलब जिसका मुझे वेट था, जिसका मैं कब से मतलब वेट कर रही थी कि अब होगा, वो फाइनली मेरा हो गया है। हस्बैंड को जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है, आज उनको फाइनली मिल गया है ड्राइविंग लाइसेंस। तो हो सकता है तो हम लोग जो है कल गाड़ी जो है ना रेंट पे लेंगे। अभी हम लोग जो है गाड़ी वगैरह पहले से भी देख रहे थे कि हाँ कौन सी गाड़ी लेनी है, क्या लेनी है, क्या मतलब बजट वगैरह भी अपना जो है बजट वगैरह भी देख रहे थे कि कितने तक की गाड़ी लेंगे। तो बस अब जो है ना वो मिल गया है, लाइसेंस मिल गया है, तो गाड़ी लेंगे हम लोग। अभी तो कल बस रेंट पे लेंगे 2 दिनों के लिए, तो कल अभी तो जो है रेंट पे लेंगे, तो कल कहीं ना कहीं हम लोग जाएंगे घूमने। तो देखते कहाँ जाते हैं वो अभी पता नहीं है, वो डिसाइड नहीं किए। बस जहाँ थोड़ी सी क्राउडेड वगैरह होगी वहाँ नहीं जाएंगे, अभी फर्स्ट टाइम है। तो अभी थोड़ा लिए टेस्ट देने के लिए जब हस्बैंड गए थे तो मैं सोची थी पता नहीं इस बार होगा या नहीं, क्योंकि वो फोर्थ अटेम्प्ट में जो है ना वो इस बार मिला है उनको, तो हर बारी हो रहा था कि इस बार क्या पता। फर्स्ट में तो पता था कि नहीं होगा, सेकेंड में नहीं पता था कि नहीं होगा, बट थर्ड टाइम हमें लग रहा था कि इस बार हो जाएगा, बट नहीं हुआ, तो थोड़े से जो है ना वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे, यार पता नहीं इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं भी सोच रही थी पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो जब हस्बैंड का कॉल आया था, हमेशा जो है ना मैं कॉल करके पूछती थी कि हाँ क्या हुआ नहीं हुआ, तो मैं इस बार सोचती थी मैं नहीं पूछूंगी, थोड़ी देर वेट करती हूँ। मैं यही सोच रही थी पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, कॉल करूँ ना करूँ। तभी हस्बैंड का जो है कॉल आया और वो बोले कि वो पास हो गए, उनको लाइसेंस मिल गया है। तो मैं जिस सच्ची होता मैं तो मैं ऐसे तो बच्चों की तरह ना मैं ऐसे ऐसे करके जंप करने लग गई, चिल्लाने लग गई। और फिर मैं पीहू को जब पीहू आई, अन्नी आई, तो सबको बताई, तो वो सब बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाना होता था सोचना होता था या टैक्सी से जाना है, और टैक्सी का किराया इतना ज़्यादा है कि आप पूछो ही मत, और यहाँ पे टैक्सी का किराया भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर हम लोग जाने से पहले ना 2 बारी सोचते थे जाना है या नहीं जाना है। तो और कुछ होता था तो हम लोग लुलू वगैरह चले जाते थे। अगर अपनी गाड़ी है तो आप कहीं भी जा सकते हो, अपनी मर्जी से जा सकते हो, अपनी मर्जी से आ सकते हो। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। इसके हमें अगर 15 मिनट के जगह पे जाना है तो वहाँ पे 1 घंटा लग ही लग जाता था। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब अपनी मर्जी से हम लोग कहीं जाएंगे आएंगे। अगर आप दुबई में हो, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, तो मीन्स कि आपकी मतलब कुछ मिसिंग है आपके पास, तो इसके लिए अगर आप दुबई में हो, फैमिली के साथ हो, तो आपके पास गाड़ी होना चाहिए। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह है, अगर आपके पास टाइम है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ की बहुत अच्छी है, बट हाँ वही है थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अन्य पीहू जो है परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा कम ही जाना आना करते थे। डेली नहीं जा सकते, बट हाँ ये होता है ना कि वीक में कहीं आप जा सकते हो, मतलब वीक में कहीं जाना आना हो सकता है। अभी वेदर भी काफ़ी अच्छा है तो आप जा सकते हो घूमने, अगर 2 महीने के बाद, वो भी जो है ना 2 महीने के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग जाएगी कि आप जा नहीं सकते हो बाहर। तो बस ये 2 महीने है, थोड़ा सा इंजॉय करो अपना। तो देखते हैं, अभी तो गाड़ी का कुछ पता नहीं है कि कब लेंगे, लेकिन हाँ मतलब सोच रखे हैं इस मतलब नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक के अंदर जो है ना हम लोग गाड़ी ले लेंगे। तो वो तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि हम लोग कैसे क्या ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। तो बस, और कल तो महाशिवरात्रि है, और कहीं जहाँ भी जाएंगे आप सबको दिखाऊंगी। और सच्ची में आई एम सो हैप्पी, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। मतलब मेरे को मेरे हाथ में जो आईफोन था उससे मतलब आईफोन जब आया था मेरे हाथ में तो मेरे को इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी खुशी मेरे को अभी हो रही है। मतलब इसके नाम से क्या हस्बैंड को लाइसेंस मिल गया, हस्बैंड को लाइसेंस, मतलब दिन भर जो है ना मैं यही, हम दोनों जो है ना यही बात कर रहे थे, चलो फाइनली हमें मिल गया, थोड़ा सा हम भी इंजॉय जो है कर लेंगे, बच्चे जो है थोड़ा सा, बच्चे भी थोड़ा सा इधर उधर घूम लेंगे। तो बस यही गुड न्यूज है। तो जब गाड़ी लेंगे तो वो आप सबके साथ शेयर करेंगे कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, कब ले रहे हैं। तो बस यही था हमारा गुड न्यूज। अभी थोड़ी देर में जो है बच्चों को रेडी करूंगी और थोड़ा सा फ्रेंड के घर पे जाएंगे। तो बस आज का यही है ब्लॉग, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।
No, no, what are that activity? The two activity which you love. One activity I tell you. Huh. Then my boat activity. Okay. Boat activity. We go to the. Yeah. That one. That's boat activity. Yeah. Okay. And you don't have to touch what? That sharp? Knife? No. Huh. Toy knife. Toy knife. Okay. With that, we need, we can't touch our physical way. Hmm. Cut. Okay. All the digits. Okay. All the pickles. Okay. We not have a pickle to eat. Hmm. Eat. Hmm. Step two. I don't know. Yeah. But we can play. Yeah. Not about teachers. Mm. Yeah. Mm. Summer. Yeah. Beat here. Who? Here. Summer beat you. Yeah. Here. Yeah. Again. Yeah. Did you complain teacher? Whom time I teacher? Whom time I did I teacher? In the audio, where I sit there, ma'am is there. I tell to ma'am. Tomorrow my mom will be stomach my church. Your mom? Yeah. Why? Stomach is here, here. Okay, so why are you not complaining teacher? That's somebody. I complaining, bro. You complain? Yeah. Then what teacher said? Teacher said, no. You need.